तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ अपना जो यहाँ पर ईमेल आईडी होता है, ठीक है। तो ईमेल आईडी का पासवर्ड जो है हम किस तरीके से यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। तो जो लोग अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पर रीसेट करना चाहते हैं, आपको जो है यहाँ पर ओटीपी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है अपने मोबाइल पर स्क्रीन लॉक पड़ना चाहिए या फिर पैटर्न वगैरह लगना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी ईमेल का पासवर्ड को रीसेट करना है आपको क्या करना है, सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे आने के बाद उस वाले ईमेल को यहाँ से देख लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये वाला ईमेल आईडी है तो मैं इसे चूज कर लेता हूँ। तो इसका जो है हम लोग यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली हमें जो यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट दिया हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आगे मैं प्रोसेस बढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट जो है इस चैनल के अंदर लाता रहता हूं, आप लोग इन सारी चीज़ों से अपडेटेड रहोगे, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर मैनेजर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है, फिर आप लोग यहाँ पर आ जाओ इस वाले डेटाबेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ड्रैग करके नीचे जाना है। यहाँ पर आप लोगों को आपको सिंपली एक बार स्लाइड कर लेना है, ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे चले जाना है, तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। यहाँ के बाद दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर सारा कुछ दिख जाएगा, जो भी यहाँ पर आपका डेटा है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, स्लाइड करके नीचे की ओर जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाक से आ जाता हूँ नीचे। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, ये वाला। तो पासवर्ड दिख जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा देखने के लिए, देख लीजिए, ठीक है। अब जो है हम पासवर्ड को रीसेट करेंगे, इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर जो फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फटाफट मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन कोड जो ईमेल पर देगा वो वाला यहाँ पर दिखा रहा है, या फिर जो ऑन स्क्रीन कन्फर्मेशन यहाँ पर मांग रहा है और पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है यहाँ पर। और जो है आप लोगों को पैटर्न वगैरह मांगेगा, जो आपका स्क्रीन लॉक होता है वो पैटर्न वगैरह यहाँ पर मांगेगा, तो आप लोग को उससे चूज करना है। तो मेरे केस में यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं शो कर रहा है पैटर्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मैं एक बार एक ईमेल को चेंज कर लेता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, अभी यहाँ पर पासवर्ड वगैरह जो है यहाँ पर पैटर्न वगैरह दिखाता है या नहीं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन लॉक दोस्तों यहाँ पर जो है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों अगर आपका दो मोबाइल पे ईमेल आईडी लॉगिन है तो आपको कुछ इस तरीके का कंफर्मेशन दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो कंफर्मेशन पेज मुझे दिख रहा है तो आप लोगों को ये वाला कन्फर्मेशन पेज दिखेगा। अगर आपका एक ही मोबाइल के अंदर ये लॉगिन है तो आप लोगों को क्या होगा, ईमेल आईडी लॉक स्क्रीन वाला दिखेगा। आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है अपना जो स्क्रीन लॉक होता है उसे यूज करके, ठीक है, या फिर फिंगरप्रिंट यूज करके। तो ठीक है, मैं यहाँ से इसे प्रोसीड करता हूँ, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने का तो देखिए इस तरीके का यहाँ पर जो है आपको वेरीफाई के लिए दिखाएगा। तो आप लोगों को अपना पैटर्न एंटर कर देना है, पैटर्न जो भी है। तो मैं यहाँ पर अपना पैटर्न दे चुका हूँ, तो इस तरीके से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर दे रहा है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर आपको दो बार एंटर करना है, तो फर्स्ट बार में मैं इसे स्किप करता हूँ, सेकंड पे जो दिखाएगा वहाँ पर हमें जो है फिल करना है। तो यहाँ पर एक मिनट, सेकंड पे यहाँ पर नहीं दिखाया मेरे केस में, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ था। तो कई लोगों के साथ ये सारा कुछ समस्या भी यहाँ पर होता रहता है, तो मैं एक बार फिल करके कम्प्लीटली आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने पैटर्न किया, फिर देखिए यहाँ पर अपना आ जाएगा पासवर्ड का सेक्शन। तो एक मिनट, वेरिफिकेशन दिखा रहा है तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ओके। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है न्यू पासवर्ड, तो मैं यहाँ से फटाफट से जो भी पासवर्ड अपना है मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लिया, तो सेव पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अपना पासवर्ड सेव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सही वाला पासवर्ड डालना है जो आपको अब रखना है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से वो पासवर्ड रख दीजिए, रखने के बाद यहाँ पर सेव चेंज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो है पर पासवर्ड चेंज हो जाएगा। दोस्तों वो जो सारा तरीका दिखा रहा था, कई लोगों को उस तरीके का इशू आता है, तो मैंने सोचा यार कंप्लीट वीडियो बना देते हैं, जिन लोगों का वो भी प्रॉब्लम दिखाता है वो लोगों का किस तरीके से होगा उन लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर स्किप करते हो तो
इस पेज पे नहीं आकर रिडायरेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या करना है, वहाँ एक पासवर्ड वैसे ही डाल देना है, फिर दोबारा यहाँ आके आपको जो भी पासवर्ड रखना है आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर पासवर्ड सेट करता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको नंबर लेटर सारा कुछ मिक्स करके यहाँ पर रखना है ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने। तो मैं यहाँ पर इसे चेंज कर लेता हूँ, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चेंज करने के बाद आपको सिंपली चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप लोगों का देख लीजिए यहाँ पर पासवर्ड रीसेट हो चुका है, तो गेट स्टार्टर पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको जो है इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पर हो चुका है अपना। ठीक है, यानी अपना जो भी यहाँ पर सारा कुछ जो है पासवर्ड ईमेल आईडी का टोटली यहाँ पर रीसेट हो चुका है। तो मेरा ये वाले ईमेल आईडी का पासवर्ड जो है यहाँ पर रीसेट हो चुका है। तो वहाँ पर दोस्तों फॉरगेट मारने के बाद जो स्किप वाला ऑप्शन आता है, अगर वहाँ से वर्क नहीं करता तो आप लोगों को सिंपली वहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड वहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है, फिर और एक बार पासवर्ड मांगेगा तो आपको वहाँ पर एंटर कर देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यही छोटा सा तरीका था जिसके थ्रू आप लोग जो है यहाँ पर ईमेल आईडी का पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, काफ़ी आसान सा तरीका है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अगर आप एंड तक देख रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा सारा कुछ प्रोसेस। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं इस तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और